अब देश राजनीति से नहीं लोक नीति से चलेगा। इस उद्घोष के साथ राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी चुनावी आगाज कर मंडी से उपचुनाव में जीत को सुनिश्चित बनाएगी और लोक नीति के सिद्धांतों के साथ लोगों के बीच में जाएगी। पार्टी ने द रीव टाइम्स को बताया कि लोग दो दलों की मनमानी और जनहित के मुद्दों से भटकाव के कारण अब नया विकल्प चुनने के लिए तैयार है, जहां लोग शासन करें ना कि सत्ता लोगों को चलाए। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने दिल्ली से आगाज करने के बाद अब हिमाचल में भी पार्टी को लॉन्च कर चुनावी शंखनाद कर दिया है। देखिए, जहां तक पार्टी की बात है तो राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी का आगाज 14 मार्च 2021 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से हो गया था और हिमाचल के लिए पार्टी ने तय किया है कि हिमाचल के उपचुनाव मंडी लोकसभा का लड़ेगी और तरजीह होगी कि उसके लिए आधी आबादी महिला या कोई युवा आगे आए, ताकि हम देश को ये एक मैसेज दे पाए कि देश के युवा और महिलाएं पूरी तरह से भारतीय राजनीति के प्रति परिपक्व है। पार्टी प्रवक्ता ने रीव टाइम्स को बताया कि हिमाचल प्रदेश में लोग अब दो दलों की सत्ता से ऊब चुके हैं और चहेतों की राजनीति के कारण लोग विकल्प की तलाश में है। बढ़ती महंगाई, व्यवस्था की नाकामी और लचर शासन व्यवस्था ने लोगों का दोनों दलों से मोह भंग कर दिया है। लोगों की बात कोई नहीं सुन रहा है और ना ही लोगों की बात की जा रही है। ऐसे में प्रदेश को राजनीति से नहीं लोक नीति से चलाने की आवश्यकता रहेगी, जहां लोग स्वयं तय करें कि प्रदेश को किस दिशा में लेकर आगे बढ़ना है और उसमें आम जन के लिए सरकार किस प्रकार सहयोगी साबित हो सकती है। देखिए, आज तीसरा विकल्प की जरूरत है देश को भी, प्रदेश को भी। आपको बता दूं कि अभी देश या प्रदेश में जो भी पार्टी है, या वो व्यक्ति की पार्टी है या परिवार की पार्टी है, इसके विपरीत जहां तक राष्ट्रीय लोक नीति की बात है तो ये जनता की, और मैं कहूँ कि संस्कार, संस्कृति और देश की पार्टी है, किसी परिवार या व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। इस सोच का आगाज मंडी उपचुनाव के साथ होगा। इसके बाद 2022 में प्रदेश की सभी सीटों पर पार्टी अपने प्रत्याशी खड़े कर सरकार बनाने के लिए लोगों के बीच जाएगी। देखिए, जहां तक चेहरे की बात है तो मैं आपको साफ कह दूं कि लोक नीति पार्टी ने ये तय किया है कि वो पब्लिक से ही, पब्लिक ओपिनियन से ही पार्टी अपने कैंडिडेट को तय करेगी और साथ में ही जन घोषणा पत्र भी लाएगी जो आम आदमी लेकर के आएंगे। तो हमने तय किया है कि हमारा जो प्रत्याशी होगा वो भी जन प्रत्याशी होगा और जो हमारा घोषणा पत्र होगा वो भी जन घोषणा पत्र होगा। प्रदेश में अब तक हालांकि तीसरा विकल्प नहीं पनप सका है, ऐसे में राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी का हिमाचल की सत्ता में आना कितना संभव हो पाएगा यह भी भविष्य के गर्भ में है। बहरहाल, वीरभद्र सिंह के कारण हुई रिक्तता से कांग्रेस किस मुहाने पर खड़ी होती है और कौन सत्ता में आमजन को आकर्षित कर पाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला।
गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।